हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 121 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो देखिए, ये मेथड ये कहता है कि यदि किसी भी नंबर में से रिपीटेडली हम यदि ऑड नंबर सेपरेट करते हैं, मान लीजिए कि ए एक नंबर है और इसका आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो क्या कहता है ये मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कि यदि हम वन माइनस करें, वन क्या है, ऑड नंबर है, तो जो रिजल्ट आता है फिर उस रिजल्ट में से फिर से हम उस रिजल्ट में से जो भी ए माइनस वन आएगा इसमें से फिर से हम थ्री माइनस करते हैं, फिर से माइनस फाइव करते हैं, फिर माइनस सेवन करते हैं, फिर माइनस नाइन करते हैं। मतलब कि रिपीटेडली जो है हम आठ नंबर से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और तब तक करते रहते हैं जब तक कि यह नंबर ए जो है जीरो ना हो जाए। जब ये ए जो नंबर है वो जीरो हो जाएगा तब हम देखते हैं, काउंट करते हैं कि कितने आठ नंबर्स सब्ट्रैक्ट किए थे। मतलब कि वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब कि काउंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ आठ नंबर्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद वह जो नंबर है जीरो हो गया। तो जितने ऑड नंबर्स को सेपरेट करके आपने उसको जीरो लाया होगा वही हो जाएगा स्क्वायर रूट। मींस स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, मतलब कि जितने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स को सेपरेट किए होंगे उतना ही होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए। यहां पर वही काम करेंगे, चलिए समझते हैं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन है कि 121 और 169 का निकालना है आपको स्क्वायर रूट बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हियर वी हैव 121 माइनस वन, पहले हम एक बार माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। अब दोबारा करते हैं, 120 में से माइनस करेंगे 3, देखिए 1 के बाद 3 माइनस करेंगे मिलेगा आपको क्या, 117। अब 117 में से माइनस करेंगे 5 तो मिलेगा आपको 112, फिर 112 में से माइनस करेंगे 7 तो मिलेगा आपको 105, फिर अब 105 में से माइनस करेंगे 9 तो मिलेगा आपको 96। अब 96 में से यदि माइनस करेंगे 9 के बाद आता है 11 तो मिलेगा आपको 5 एंड 8, 85। अब 85 में से यदि माइनस करेंगे आप ये 11 के बाद आता है 13, क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 और 8 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 7, 72 आ जाएगा। अब 72 में से जब माइनस करेंगे 15, देखिए हम सब आठ नंबर्स कर रहे हैं रिपीटेडली, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 15 तो मिलेगा आपको 12, 12 में से 5 जाएगा 7 एंड 6 में से 1 जाएगा 5, 57 हो गया। अब 57 में से माइनस करेंगे 17 तो मिल जाएगा आपको 0 और ये हो जाएगा 440। अब उसके बाद 40 में से माइनस करेंगे 19 तो मिल जाएगा हमें 30 मिल जाएगा और 21 मिल जाएगा 21, और 21 में से माइनस करेंगे 19 के बाद क्या आता है, 19 के बाद आता है ऑड नंबर 21 और जो माइनस करेंगे 0 मिल जाएगा। तो आपको अभी काउंट करना है कि कितने ऑड नंबर्स को आपने सेपरेट किया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपने 11 टाइम्स जो है आठ नंबर्स को सेपरेट किया है, तो 11 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 121। तो यहाँ लिख देंगे सिंस 121 हैज़ बीन सब्ट्रैक्टेड 11 टाइम्स बाई
सक्सेसिव ऑड नंबर्स, बाय सक्सेसिव ऑड नंबर्स, ठीक है, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज इक्वल टू 11, दिस इज योर आंसर। तो 11 हो गया, हम जानते हैं कि 11 का होता है ये, तो ऐसे करके अब दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया, ठीक ऐसे ही 169 का कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा एक बार दो बार और जाएगा आगे, और 13 आएगा आपका, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो मेरे ख्याल से आप ऐसे ही एग्जैक्टली कर लेंगे आप, ठीक है, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, और ऐसे करते करते आप कर लेंगे बिल्कुल डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यही कॉन्सेप्ट है। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट होता है, डाउट नहीं भी होता है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।